नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको मेडिसिन जुड़ी जानकारी आपको देता रहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैबलेट क्लिंजिन फॉर टैबलेट की, क्लिंजिन फॉर टैबलेट क्या होती है, और दोस्तों साथ ही साथ बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की। ये जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है वो किस किस कंपोजिशन से या फिर किस 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 साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, और ये जो साल्ट पाए जाते हैं वो कितने कितनी एमजी में पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम उसके प्राइस रेट की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है उसके क्या क्या प्राइस रेट पाए जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, और फिर देखेंगे ये जो एक पैकेजिंग में कितनी टैबलेट पाई जाती हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं, और अंत में बात करेंगे दोस्तों हम इसकी हाउ टू यूज़, इसे कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप मेरी YouTube वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की आने की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों क्लिंजिन फॉर टैबलेट क्या होती है, यह इसके बारे में कुछ जानते हैं नई बातें। दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी YouTube वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अब बात करते हैं क्लिंजिन फॉर टैबलेट की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है वो वेजिनल इन्फेक्शन को ठीक करने में यूज की जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, ये जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है इसके अंदर क्या क्या साल्ट फॉर्मेशन पाई जाती है। इसके अंदर जो पाया जाता है क्लिंडामाइसिन पाया जाता है, क्लोट्रिमाजोल पाया जाता है और टिंडाजोल पाया जाता है। जो इसमें क्लिंडामाइसिन पाया जाता है वो कितने एमजी पाया जाता है, 100 एमजी पाया जाता है, और क्लोट्रिमाजोल जो पाया जाता है वो भी 100 एमजी पाया जाता है, और जो टिंडाजोल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 100 एमजी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकेजिंग की, ये जो पैकेजिंग में पाई जाती है 7 कैप्सूल पाए जाते हैं जो 7 दिन तक यूज किए जाते हैं, और जो इस पैकेट की कीमत पाई जाती है 169 के आसपास पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसे एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों इस टैबलेट का यूज जो है वेजिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। वो इन्फेक्शन कैसा हो सकता है आपका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसमें इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि खुजली होना, लाल लाल चकत्ते से होना, या फिर स्किन वाकी कैसे होना, रेडनेस होना, या फिर जलन सी महसूस होना, ये कुछ इसके सिम्टम पाए जाते हैं, या फिर किसी महिला को क्या हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज होना, इन सबको ट्रीट करने में क्लिंजिन फॉर टैबलेट का यूज किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, जो क्लिंजिन फॉर टैबलेट होती है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। दोस्तों इसके कुछ अभी तक साइड इफेक्ट देखे नहीं गए, फिर भी क्या हो सकता है, जैसे स्किन पैरेसिस होना, या फिर रेडनेस होना, या फिर बर्निंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हाउ टू यूज, इसे कैसे कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों इस कैप्सूल को रात में ही यूज करना होता है, इसे दिन में कभी भी यूज नहीं करना होता है। और इस कैप्सूल को क्या होता है, वेजाइना के अंदर क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है, या फिर वेजाइना के अंदर लगाना होता है। और दोस्तों कम से कम इसके आधे घंटे से लेके या आधा घंटे से लेके कम से कम 2 घंटे इसके वेजाइना के अंदर रखना होता है दोस्तों इसको। और दोस्तों इस कैप्सूल का प्रयोग एक दिन में एक बार ही करना होता है। और ये कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को भी कम करता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरी ये यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके।